दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर आखिरी दूसरी शादी एक ब्राह्मण महिला से क्यों की, जाने अनसुनी सच्चाई के बाद में। इस सब माहिती यूट्यूब से ली गई है और मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, तो आइए दोस्तों देखते हैं कहानी की शुरुआत। शिल्पकार, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दलितों के मसीहा, ऐसे कई नामों से जाने जाते हैं। बाबा साहब ने अपने समझ के रोजगार में अधिकार दिनों से कई बुराई को सपन कर दिए। आज मैं बातें करने जा रहा हूँ डॉक्टर अम्बेडकर की दूसरी शादी के बारे में। एक ब्राह्मण महिला से बाबा साहब ने की थी। 27 मई 1935 ने प्रथम पत्नी रमाई का निधन हुआ। इसके बाद बाबा साहब ने कई आंदोलन चलाए और कई आंदोलन लड़े। 1947 में ये पीड़ादायक बन गया था जब उनको डायबिटिक और बीपी ने ले लिया। तो बाबा साहब इतने काम में रहते थे और समय पर खान पान नहीं होना, बाकी बातें नहीं होना, उनके कारण उनको अनेक बीमारियां हुई। वो परहेज भी नहीं कर पा रहे थे। उनकी समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इलाज की सलाह दी गई तो मुंबई के डॉक्टर शारदा कबीर के द्वारा उनका इलाज किया गया और पूरे से मराठी ब्राह्मण से वो ताल्लुक रखती थी। ब्राह्मण शरद कुलीन ब्राह्मण कहा जाता था। उन्होंने मुंबई से MBBS किया था। बाबा साहब के इलाज के दौरान दोनों में नज़दीका थे। 15 अप्रैल 1948 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शारदा कबीर से दूसरी शादी की थी। उस समय डॉक्टर उनकी उम्र 57 साल की थी और शारदा ताई की उम्र 45 साल थी। दोनों में 12 साल से बड़े थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस शादी से ब्राह्मणी दलितों का एक वर्ग बहुत नाराज हुआ था। शारदा कबीर अम्बेडकर के बाबा साहब के कबीर में सुधा बना। संविधान के लिए उन्होंने जब 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया तो शारदा कबीर भी बौद्ध धर्म अपनाया। इसके बाद बाबा साहब सवित का अम्बेडकर हो गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रिश्तेदार और परिवार के लोग बहुत नाराज़ थे। सविता अम्बेडकर से बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ब्राह्मण समिति ने उनको विरोध किया और इधर दलित समाज का कुछ वर्ग इस बातों को नाराज था। बाबा साहब से शादी कर दोनों परिवार में कभी स्वीकार नहीं किए। इस शादी के बाद अम्बेडकर की राजपत्र चिंतन पर उठने लगी। दलित इस बात पर नाराज थी कि क्या उनको एक ब्राह्मण महिला ही मिली थी, क्या दूसरी शादी करनी थी तो किसी दलित से करना थी। दलितों ने इस राज्य को खत्म करने की साजिश की थी। 6 दिसंबर 1956 से बाबा साहब की मौत हो गई, महान परिनिर्वाण हुए और उसके बाद में बाबा साहब के परिजनों ने सविता अम्बेडकर को तरह तरह के लाचन लगना शुरू करवा दिए। यहाँ तक कि आरोप लगाए कि सविता अम्बेडकर ने उन्होंने मार दिया। डॉक्टर रमाबाई के पुत्र यशवंत राव थे। सविता अम्बेडकर से यशवंत भी नाराज थे। उन्होंने दिल्ली पुलिस कमीशन से आवेदन देकर इस मौत की जांच करने लगाई। इस बीच 1966 को तैयार करवा दिया कि इस मौत की जांच तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से पत्र लिखे। सांसद ने यह पत्र लिखा। जवाहरलाल नेहरू ने जांच कमेटी बनाई। इस समिति ने बाद में पाया कि डॉक्टर अम्बेडकर की मौत स्वाभाविक रूप से हुई है और संविधान का आरोप पर लगाए बेबुनियाद है। लोकसभा में बृजमती गोविंद पंत ने
दलित सांसद ने पीसी कांबड़े ने एक सवाल में बताया कि डॉक्टर आम्बेडकर की मौत स्वाभाविक रूप से हुई है। तो इस तरह से बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन की एक कहानी है दोस्तों। भी बाबा साहब आम्बेडकर जिनका जन्म 1491 में महू में जन्म हुआ था, भारतीय समाज में प्यार के जो नियम थे कभी भीमराव रामजी आम्बेडकर के लिए स्थायी नहीं, कभी इन बातों को माना नहीं। बाबा साहेब ये सोशियोलॉजी इकोनॉमिक पॉलिटिशियन, इन्होंने दलित बुद्ध मोमिन को प्रेरित किया और सारादिक भेदभाव की तरफ सामना किया। और प्यार तो हर किसी को होता है, बाबा साहब को भी प्यार हुआ और वो इंसानियत के कारण हुआ। तो बात दोस्तों, तो चलिए दोस्तों जानते हैं अपन प्यार भरी जिंदगी के बारे में। बाबा साहब की जिंदगी का पहला शादी, बाबा साहब के पहला शादी अचानक हुआ था। उन्हीं की पहली पत्नी रमाबाई आम्बेडकर एक साफ दिल की दयालु महिला थी। यही अपने पति के तरफ समाज सेवा जुड़ी हुई थी। रमाबाई ने आम्बेडकर से 1906 में भाईकुला में शादी की थी। उस समय बाबा साहब का उम्र 14 साल था और रमाबाई का 9 साल का उम्र था। इस बात का कोई संदेश नहीं था कि रमाबाई एक सहायक, एक कर्तव्यपरायण पत्नी थी। उन्होंने बाबा साहब की अच्छाई के लिए अपने जिंदगी से काफ़ी कुछ त्याग दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से शादी के 29 साल बाद अपने लंबे समय से चले बीमारी की वजह से चल बसी। पत्नी की मौत के बाद बाबा साहब के कई अकेले हिस्से हो गए थे। उन्होंने अपने आप को कामों में बहुत डुबा दिया। अपने व्यस्त कार्यक्रम अनिद्रा की वजह से तबीयत खराब हो गई एवं वो होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्रीटमेंट कराने लगे। जब होम्योपैथिक मेडिसिन से कुछ काम नहीं बना, फिर बाबा साहब मुंबई में गए अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। वहाँ पर जाकर उनकी मदाल शारदाताई कबीर से हुआ। शारदाताई ये डॉक्टर थे और महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण पालिके से संबंध रखती थी। इस तरह से वो सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। बाबा साहब ने इस बात को साबित किया कि ऐसा साबित करवा दिया कि यह आवश्यकता है, जीवन में एक पत्नी की आवश्यकता है। उतने इतिहास के उस दोनों में एक दूसरे की सहायत किए थे। हर एक लेटर 18 से 20 पेजेस रहते थे। 40-50 लेटर उनके शेयर किए गए थे। उनमें बाबा साहब शारदा को शारू नाम से बुलाते थे। उन्होंने बहुत जल्दी शादी कर लिया। 15 अप्रैल 1948 को शादी करवा लिया। शादी के बाद अपना नाम बदला कर सविता आम्बेडकर रखवा लिया। वो माई नाम से भी जानी जाती थी। शायद अपने वाइफ की वजह से बाबा साहब ने 12 घंटे के वर्किंग घंटे को 8 घंटे करवा लिया, अपने हेल्थ में सुधार ना ला लिया। शादी के 8 साल बाद डायबिटीज की वजह से इस महान इंसान का 6 दिसंबर को 1956 को देहांत हो गया। तो उनकी उम्र 93 साल की थी। तो दोस्तों बाबा साहब आम्बेडकर की दूसरी शादी के बहुत सारे भारतीय जुड़ती है और इनके बारे में अपन जो बोल रहे हैं, तो दोस्तों सुनिए। तो बाबा साहब की परिस्थिति, जो रमाबाई जाने के बाद में बाबा साहब की परिस्थिति और बाबा साहब बहुत दिन अकेले में रहे और रमाई की मृत्यु के बाद बाबा साहब बहुत परेशान रहने लगते थे। उनके सिर में छोटी छोटी पुंसियाँ हो गई। उनका बहुत इलाज किया
बहुत इलाज किया, उस इलाज में कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। बाद में कुछ लोगों की सलाह पर एक जगह पर लोनावाड़ा, पुणे और मुंबई के बीच में बहुत ही सुंदर जगह है, झरने हैं, पहाड़ी है, बादल छाए रहते हैं, वहाँ पर एक केवलम धाम नाम का एक आयुर्वेदिक संस्थान था और अभी भी है। वहाँ पर बाबा साहब को जाने की सलाह दी तो बाबा साहब वहाँ गए और प्राकृतिक चिकित्सा के इस बीमारी को दूर करना था। सर में फोड़े फुंसे हुए थे, सर में दर्द होता था, तो पहले आप ये दुनिया के कृत्रिम रूप में ये लिबास को उतारो। उन्होंने बाबा साहब से टाई कोट कमीज सब उतरा दिए, पैंट उतरा दिए और एक ढीला ढाला चोंगा पहनने को दिया। अब आप इसमें रहेंगे, आपने देखा होगा बाबा साहब का एक फोटो में एक लट लिए में शीर में गंजा है, चोंगा पहने हैं, वो उसी दौरान का चित्र है। यदि वो चित्र लोनावड़ का नहीं है, बम्बई का है। इस चित्र के साथ ही और एक चित्र लिखा था कि बाबा साहेब के प्रोफेसर ने कहा, आप तो बिल्कुल विवेकानंद लेख रहे हैं, तो विवेकानंद के समार उनका जो छापा वाला एक फ़ोटो लिया गया और वो फोटो बहुत कम स्थान में अपने को मिलता है। यदि फोटो मिल नहीं रहा है, मिल जाए तो उस समय की घटना है। बाबा साहब के शुभचिंतकों ने जब उनको देखा, ये अपनी योग्य पत्नी के अभाव में ब्रेड और चाय पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बिस्कुट और चाय पर अपनी दिनचर्या चला रहे हैं, तो उन्होंने उनसे कहा, बाबा साहब अपने घर में कोई भाई लाकर रख दो, कोई औरत रख दो। बाबा साहब भूख बिगड़े, तुम क्या बोलता है, अगर मैं घर में अपनी भाई रखूँगा या तो इस देश का कांग्रेस मीडिया, हिंदू मीडिया मुझे बदनाम कर देगा, और जो नेता बदनाम होते हैं वो अपने समाज का भला नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा कि बाबा साहब अपने जीवन में एक एक कदम फूक फूक के रखते थे, कहीं मुझे बदनामी न झेलना पड़ जाए, कि वो अपने चरित्र की सुरक्षा करके अपने समाज को सेवा में लगाते थे, ये उनका उद्देश्य था। एक दिन दादा साहब गायकवाड़ और उनकी राजनीतिक सलाह थे, उन्होंने कहा, बाबा साहब मैं एक छोटी सी आपको सलाह देता हूँ, गुस्सा मत होना। क्या है, मेरी साली है शांताबाई, आप उससे शादी करवा लीजिए, कि आपके पढ़ी लिखी है, आपको आराम से घर का काम खाना पीना सब मिलेगा, तो हमको जो टेंशन रहते तो आप हमको मुक्ति मिलेगी। बाबा साहब ने कहा, उनका पूरा नाम दादा साहब विखे गायकवाड़, भाऊ गायकवाड़ बोलते थे। बाबा साहब ने कहा, एक बात बताओ, वो शांता भाई मुझे क्या करके पुकारती है, वो भी आपको बाबा साहब करके पुकारती है, वो मुझे बाबा साहब कहती है और मैं उसको पत्नी बना लूँ, क्या मैं क्या रंबा हूँ। बाबा साहब ने एक बात, क्योंकि बाबा साहब दूसरा विवाह करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। कारण यह है, अपने सुख और आराम से ज़्यादा अपने चरित्र की, अपने समाज की चिंता थी। बाद में एक समय ऐसा आया, इस देश में सत्ता परिवर्तन हुआ। सत्ता परिवर्तन के बाद एक शर्त रखी गई यहाँ के कर्णधारों के सामने कि हम तुमको स्वतंत्र करेंगे, पहले तुम हमको ये बताओ व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट यू विल रन, आप सरकार चलाएंगे, उसकी प्रकृति क्या होगी, किस रूप की होगी, तानाशाही होगी कि लोकतंत्र होगा, ये बताया जाए। यहाँ पर हुकुमरानों ने लॉर्ड माउंटबेटन को ये वचन दिया कि आप हमें एक मौका दीजिए, हम किस तरह का देश चलाएंगे, हम उससे आपको एक डॉक्यूमेंट बनाकर दिखा देंगे। मैं बीमार हूँ, मैं डायबिटीज का मरीज हूँ, मैं घटने का काम नहीं कर सकूँगा। जब बाबा साहब ने घटना लिखने को मना कर दिया, वो नेहरू जी के पास जो दूत थे, संदेखबाज थे,
तो उस दिन बाबा साहब रात को बिस्तर में गए, तो उनको एक विचार पौधा, उस विचार से उनके आंखों में चमक आ गई। वो अपने बिस्तर पर लेटे उठकर बैठ गए। विचार ये था, जिस मैं समाज का प्रतिनिधित्व हूँ उसका पर गर्व करने लायक कोई चीज़ नहीं है। मुसलमान जब ताजमहल को देखते हैं, कुतुब मीनार को देखते हैं, दिल्ली के आगरे के किले को देखते हैं, तो गर्व से उनका किला गर्व हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा बाबा साहब को लगा कि मैं क्या करना चाहिए। तब उनको लगा अगर मैं घटना लिखूं तो ये कार्य बहुत बड़ा रहेगा और इस कार्य का फायदा बहुत बड़ा होगा, ऐसा उनको लगा। खास अगर तू ये देश का मैं संविधान लिख दूंगा और ये देश आज़ाद हो जाएगा, मेरे समाज के लोग कोई भी कष्ट करो उनको ये पता चलेगा, इस देश का संविधान हमारे बाप ने बनाया था, अपने महापुरुष ने बनाया था, तो उनका गौरव आगे छलांगे मारेगा और गौरव से सीना फूल कर कहेंगे इसका देश का संविधान हमारे मुक्तिदाता ने बनाया, इस देश की आज़ादी हमारे मुक्ति द्वारा दी गई है। तो साथियों, जब विचार उनके दिमाग में आया तो बाबा साहब को यकीन था वो नेहरू का दूत दूतोबारा आएगा, और ऐसा ही हुआ। अगले दिन उसके इंतज़ार में बैठे थे, वो समय पर आ गया, समय पर आ गया। उसने बाबा साहब से निवेदन किया। बाबा साहब ने कहा, मैंने आपके बात के रिकन्सिडर किया और यह निर्णय लिया कि मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, लेकिन राष्ट्र के खातिर राष्ट्रभक्ति के पुकार रही है कि अंबेडकर अपनी जान पर खेल और इस देश का संविधान बना। मैंने निर्णय लिया है इस देश का संविधान मैं बनाऊंगा। एक दिक्कत थी, जब बाबा साहब ने संविधान बनाने काबिल लग गए तो बहुत अधिक समय तक ये लगे रहते थे, उनको खाने की दिक्कत, समय पर दवाई लेने की दिक्कत, इंसुलिन लेने की दिक्कत। बहुत सारे डॉक्टर से सलाह ली, बम्बई में भी और दिल्ली में भी। दिल्ली के एक डॉक्टर ने ये सलाह दी, डॉक्टर आम्बेडकर आपकी जैसी सेहत है उसे देखते हुए एक तो आप दूसरा विवाह कर ले या फिर थोड़ा दिन में आपके जीवन की लीला समाप्त हो जाएगी। बाबा साहब ने कहा, ये जीवन ही नहीं रहेगा, ये जीवन ही नहीं रहेगा, तो अपने पुराने संकल्पों क्या कर सकता है। और इस तरह से बाबा साहब के दिमाग एक सविता कबीर के तरफ में, वो उनकी डॉक्टर थी और तो जब उनका वहाँ बातों में आ गया और दोनों का एकमेक पर प्रेम हो गया और सविता कबीर को भी लगा उस की सविता अम्बेडकर ने भी आगे पीछे कुछ नहीं देखा और बाबा साहब से अपने साथ जीवन बंधन में बंध गई। वो आपने देखा होगा, लोग अक्सर उस पर ये देखते हैं कि सविता अम्बेडकर बाबा साहब के जीवन में आने के बाद वो ब्राह्मणी थी और ब्राह्मण का अम्बेडकर ये जातिवाद समाप्त करना चाहते थे, तो बाबा साहब ने अम्बेडकर ने 1935 में मार्च सत्याग्रह में जो प्रवचन दिया, जहाँ साफ किया इस देश धार्मिक कर्मधारों को वर्ण व्यवस्था समाप्त करना चाहिए, एक वर्ण बनाना चाहिए, एक जाति बनाना चाहिए, वो मानव जात होना चाहिए, बाकी सब समाप्त करो। तो जाति समाप्त करने का एजेंडा बहुत पुराना था, अभी भी क्या है, जाति कौन मिटाएगा, जाति कौन, जो नहीं मिटाएगा जाति वो मिटाएगा जो जाति पीड़ित लोग हैं, और जावा बाबा सबसे जाति पीड़ित लोग कौन हुआ होगा, जाति भी टूटेगी और मेरा घर भी बसेगा और संविधान भी बनेगा और मेरे समाज का माथा ऊंचा हो गया। इसलिए उन्होंने इस निर्णय को, सोहनलाल शास्त्री ने उर्दू में लिखा था, विवाह के तुरंत बाद भीम पत्रिका में छपा था। उन्होंने कहा था कि बहाल मान है ये नारी जिसने हमारे अचिर को मुक्तिदाता को अपना पति के रूप में स्वीकार किया, यद्यपि तो ब्राह्मण परिवार की थी और ब्राह्मण में वो भी नहीं, चित्त पावन ब्राह्मण,
ऊंचे परिवार के ब्राह्मण कबीर परिवार की, कबीर परिवार से वो हुई थी, तो बाबा साहब के साथ में वो आई उनके जीवन में। जैसे हम बुद्ध विहार में जाते बातें नहीं निकलते, वैसे ही वो बाबा साहब के जीवन में आई, अपना ब्राह्मण मत ब्राह्मण छोड़ के आई। वो डॉक्टर बाबा साहब के साथ में वो 15 मई 1948 में हुआ था। 15 मई 1948 में बाबा साहब को 25 मई 1950 को उनको जाना पड़ा श्रीलंका। क्यों जाना पड़ा? इनकी इंटरनेशनल बुद्ध कॉन्फ्रेंस थी, पार्टिसिपेट करना था। बाबा साहब ने कहा, अजय बोल लो मुझे बुला रहे हैं तो मैं इतना कृतज्ञ नहीं हूँ, इतना सन फरमस नहीं हूँ, इतना गायत्री सुन भी नहीं हूँ कि वहाँ मैं जाऊँ कि ऐसे ही पहुँच जाऊँ। उन्होंने दिल्ली के बिरला मंदिर के महाबोधि बुद्ध विहार है वहाँ सुबह 6 बजे जाकर अपने शाहरुख को, सविता अम्बेडकर को अपने साथ में लिया और वह वहाँ पहुँच गए और वहाँ बनते आर्य वंश और बनते यज्ञ सदस्य था। उन्होंने सुबह 6 बजे बाबा साहब का पास सील प्रदान की। उतना ही नहीं, प्रमाण मिले हैं उस समय में एक से संता सर के दल में पास सील ग्रहण किए थे। इस घटना का समाचार अखबारों में छपा था, उस संदर्भ में भी अपने पास में है। तो साथियों, जो दिन था 2 मई का 1950 का महत्वपूर्ण दिन था। सविता वर्कर भी बौद्ध पाठ प्रतिज्ञा ली थी, पास सील ग्रहण की थी। इसके बाद जब वो श्रीलंका जाते हैं, कोलंबो जाते हैं, तो उनके साथ में सविता अम्बेडकर जाती है पत्नी के रूप में, डॉक्टर के रूप में। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बहुत निकट सहयोगी पी एन राजभोज उनके साथ में जाते हैं उस सम्मेलन में, जिसकी स्थापना किन्होंने की थी? प्रोफेसर मलाल शेखर ने की थी, वो अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष कई थे, एक उपाध्यक्ष आनंद कौशलन भी थे। तो उपाध्यक्ष मंडल में बाबा साहब ने डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में उसकी देखभाल करती रही, उनका खाना कैसा होना चाहिए ये निर्देश देती रही, समय पर इंजेक्शन देती रही। बाबा साहब वहाँ काफ़ी दिन रहे और बाद में बाबा साहब ने वहाँ से वह आ गए। यही जो WFB 25 मई से श्रीलंका में कोलंबो में आरंभ हुआ, 2 साल बाद में जापान में आरक्षण हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब को जापान जाने की इच्छा थी, लेकिन बाबा साहब की 2 दिक्कतें थी, वहाँ क्यों नहीं जा पाए? एक तो बम्बई में इलेक्शन में वो भी बिजी थे, दूसरा उनकी स्वास्थ्य भी उतना उचित नहीं था जितना अच्छा होना चाहिए था, इसलिए वो वहाँ नहीं जा पाए। तीसरा सम्मेलन इंटरनेशनल बुद्ध कॉन्फ्रेंस बर्मा में हुई, 3 दिसंबर 1954 में हुई। तो उसमें बाबा साहब जाते हैं, सविता अम्बेडकर उनके साथ जाती है, अपना पर PR रिमिशर रामास्वामी उनके साथ में जाते हैं और बहुत सारे लोग जाते हैं। मिस्टर सोनी जो बर्मा में रहते थे, भारतवर्ष थे, पंजाबी से, उनका सानिध्य बहुत लंबा रहा। वहाँ जो प्रवचन हुआ वो जो ऐतिहासिक है, हमारा यही बताना था। वो ब्राह्मणी होते भी बाबा साहब के साथ, बाबा साहब के संस्कारों में कदम से कदम मिलाकर उनके साथ में चल रही थी। कारण ये था कि उन्होंने बाबा साहब को जो पास सील ग्रहण किए थे, उन्होंने भी पास सील ग्रहण कर लिए थे और ईमानदारी से उनके पालन में लगी हुई थी। उनके आने के बाद 2 साल बाद लखनऊ में एक बौद्ध सम्मेलन हुआ और 1956 में बाबा साहब अपने धम्म दीक्षा के बाद में वहाँ गए, वहाँ भी उनके साथ गई। पहले 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पवित्र भूमि पर विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी धम्म दीक्षा हुई थी। और दोस्तों, इस तरह से बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक नया कीर्तिमान स्थापन किया था। वो ये था कि बाबा साहब की धम्म दीक्षा के पहले भिक्कू ये धम्म दीक्षा दे सकते थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने एक युगांतर कार्य किया, एक कल्याणकारी कार्य किया, बौद्ध धर्म के प्रचार में
एक मील का सत्तर साबित हुआ कि बाबा साहब ने पहले दिन से वो चंद्रमणि माथेर वो थे तो बर्मा के, लेकिन कुशीनगर में रह रहे थे, 80 साल से ज़्यादा उम्र थी, उन्होंने बाबा साहब को पांच शील प्रदान की, स्त्री रत्न प्रदान की। इसके बाद अगले दिन 15 अक्टूबर को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रोटी बोलता है, 5 लाख बोलता है, 10 लाख लोगों के साथ में बाबा साहब ने पांच शील प्रदान किए, उन्हें दीक्षित कराया और उनको 22 प्रतिज्ञा दी। जो बौद्ध धर्म की दीक्षा बाबा साहब ने ग्रहण की, चंद्रमणि से ग्रहण की, आर्यवंश से भी ग्रहण की, ये से श्रद्धा से चित्ता से ग्रहण की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा दी, वो सविता अम्बेडकर ने वो 22 प्रतिज्ञा ग्रहण की। तो इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर की जीवन में आई तो बाबा साहब की जीवन की भंके आई। तो दोस्तों, तो काठमांडू में गए, 20 नवंबर 1956 में भाषण में होना था, भाषण का विषय कुछ अलग था और उनको कहा गया आप बुद्ध धर्म में अहिंसा को छोड़िए, आप ईश्वर बोलिए, जो बुद्धयान काल मार्शल। और जब बोले, जब वो खड़े हुए तो बाबा साहब का गला रुंध गया, भर आया, आंसू निकल आए। सविता अम्बेडकर ने उनको रुमाल दिया, आंसू पोंछे। तो बाबा साहब ने जो अपना धारा प्रवचन दिया था उसका आज तक कोई मुकाबला नहीं कर सकते। तो दोस्तों, बाबा साहब की घर में जो आगमन हुआ वो बहुत ही उपलब्धि से भरा हुआ है। बाबा साहब ने 1951 में श्रीलंका से आने के बाद अपने लोगों से वायदा किया था, मैं तुमको एक बुद्धिस्ट बाइबल दूंगा, यही नाम था, मैं आपको बुद्धिस्ट बाइबल दूंगा, जब बुद्ध धर्म का ऐसा समन्वय कार्य दूंगा जिसका भगवान बुद्ध की जीवनी, बौद्ध इतिहास, बौद्ध समावेश होगा। बाबा साहब ने 1951 में बुद्धानी धम्मा लिखना शुरू कर दी। सविता अम्बेडकर ने उनके साथ दी, पद पर उनके साथ में थी, उनका सेहत का ध्यान रखती थी। और आखिरी दिन, उनके जीवन का आखिरी दिन 5 दिसंबर और 6 दिसंबर 1956, ये 2 तारीख के बीच में, इनके 2 दिन के बीच में जो रात थी उसी समय में बाबा साहब ने प्राण निकले थे। डॉक्टरों ने बॉडी को देखकर, उनको ताप को देखकर बताया अभी कुछ देरी पहले इनके प्राण छूटे हैं। तो ये मान लिया गया उनका परिनिर्वाण 6 दिसंबर को हुआ था। उस रात की घटना वो है, उस रात में भी बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लिखते 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 महापरिनिर्वाण हुए थे, वह बुद्ध एंड धम्मा की भूमिका फाइनल कर रहे थे। एक भूमिका वो 1956 में लिखे थे, उन्होंने उसको निरस्त करके, उसको रद्द करके ये दूसरी भूमिका लिखी थी। और जब उनके शरीर के पता चला और उनके पास सब पहुँचे, उनके शरीर पर बुद्धायन धम्मा उनके सिर शरीर पर थी, और यह बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन की सविता अम्बेडकर का आना बहुत दूर से बड़ा उत्साह भरा है। दोस्तों, बाबा साहब के जीवन में अनोखे अनोखे पक्षों को उजागर करने वाला है आज हम सबको बाबा साहब अम्बेडकर की सम्मान जिस गति से करना चाहिए उसे अधिक से भावना से सही। तो हम सविता अम्बेडकर जी का स्वागत करते हैं और उनका आज का दिन में 93 साल के होने के बाद में ये आज की तारीख 29 में ये बहुत बड़ी लिखित तारीख है। तो दोस्तों, किसी को कुछ कहने के पहले किसी का इतिहास मालूम होना चाहिए। अगर सविता कबीर ने होती तो बाबा साहब बुद्ध एंड धम्म न लिखते और इस देश का संविधान भी नहीं बन सकता था। तो उन सविता कबीर माई को हम नमन करते हुए आज को विराम करते हैं। परमपूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय और सविता माँ कबीर की जय, माई कबीर की जय। इतना भूलते हुए मैं अपने शब्द को विराम करता हूँ। नमो बुद्धाय, साधु नमो अशोका, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, नमो बुद्धाय।
नमो बुद्धाय।